आपका नाम? बिल्लू जी। बिल्लू जी, रात एक घटना हुई है, दो बच्चों की जिसमें मौत हुई है, किस तरह से इनकी मौत हुई है? जी, इन्होंने बच्चे 12 बजे सोए थे जी रात, माँ बाप भी सोए थे 12 बजे ही। यहाँ ऊपर आ गए, दो लड़के अंदर सो गए, एक बाहर सो गया। अरे भाई, उन्होंने नीचे खाट के आग रख रखी थी थोड़ी सी, गर्माहट मिल जाएगा हमको। फिर इन्होंने सोने के बाद देखा जाए, बिना जी सुबह 5 बजे उठाने आए, देखे दोनों बच्चे मेरे लड़की गेट के पास मिली है पड़ी, उन्हें रास्ता नहीं मिला अंधेरे में। किस स्थिति में डेड बॉडी मिली है दोनों बच्चों की? जी, खाट पे पड़ी थी जी, जली हुई। खाट का तो कोयला होगा, था खाट से नीचे। हाँ, खाट से नीचे ही जी, और ये खाट पे पड़ी, नीचे पड़ी थी, गेट मैन गेट के सामने। अच्छा बिल्लू जी, जो दो बच्चे एक्सपायर हुए हैं, आप उनके क्या लगते हैं? उनके चाचा हो जी मैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है जी। शाकिर जी, आपके पड़ोस में एक दुखद घटना हुई है, किस तरह की घटना है? बहुत बुरी घटना हुई जी सर। ये लगभग 12 बजे के करीब, मम्मी पापा बोल रहे हैं इनके, 12 बजे के करीब ऊपर आके लेटे बच्चे, और इन्होंने बच्चों ने तसले में एक थोड़ी सी आग सिलगा के उसको अंदर सर्दी के वजह से रख लिया, और दोनों बच्चे गेट बंद करके सो गए। जिस कमरे में कोई भी कहीं भी कोई सुराख नहीं है धुआं निकलने के लिए, इसलिए लगभग 12 बजे ये बच्चे सोए, और उसके बाद इन्होंने कम से कम 5 बजे के करीब मम्मी पापा नीचे से ऊपर आए उठाने के लिए, तो उन्होंने जैसा ही गेट पे लॉक है अंदर बाहर का उसे खोला, तो अंदर धुआं ही धुआं, एकदम चिल्लाने लगे। तो इसी चिल्ला से बच्चे और पड़ोसी सब उठ गए, और पड़ोसी मैं भी सामने से पड़ोसी हूँ, और जब आवाज़ आई तो मैं बाहर पड़ोसी ही कूद के ऊपर से आया, तो देखा सारे में धुआं धुआं। दोनों बच्चे, जिसका एक लड़की है बड़ी तकरीबन 16 साल की, नेहा नाम है, और छोटा लड़का है 11 साल का लगभग, अंश नाम है। दोनों बच्चे बिल्कुल राख हो गए जल के, बहुत बुरा हादसा हुआ, बहुत ही खतरनाक। बंद कमरा था, बिल्कुल धुआं निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। अच्छा, किसी चीखने चिल्लाने कोई आवाज़? कोई आवाज़ नहीं आई। बाहर बड़ा भैया लेटा हुआ था इनका, कोई भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। धुआं इतना हो गया कि ये घुट के उसमें एक्सपायर हो गए, घुटने के बाद ही।